नमस्कार, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। नॉर्मल चलती जिंदगी में बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के एक्सीडेंट ने सबको शॉक में डाल दिया था। मतलब यहाँ हम कम्प्लीटली एग्री कर सकते हैं कि लाइफ इज वेरी अनप्रडिक्टेबल। बॉलीवुड दीवा मलाइका अरोड़ा के एक्सीडेंट ने फैंस की सांसें रोक दी थी। आपको बता दें कि मलाइका का एक्सीडेंट खपोली एक्सप्रेसवे पर हुआ था। खबरों के मुताबिक उन्हें छोटी मोटी चोट आई, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया और अगले ही दिन मलाइका डिस्चार्ज भी हो गई। अब मलाइका अरोड़ा के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वो सिर पर पट्टी बांधे नजर आ रही हैं। दरअसल एक्सीडेंट के बाद मलाइका अरोड़ा को नवी मुंबई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ उनका सिटी स्कैन किया गया। इस स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद उन्हें रात भर अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फिर अगले दिन मलाइका को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब अस्पताल के बाहर से मलाइका की कुछ फोटोज सामने आई हैं। इन फोटोज में मलाइका अरोड़ा को सिर पर पट्टी के साथ देखा जा सकता है। मलाइका व्हीलचेयर पर बैठी हुई हैं और उनके आसपास कई लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। इस बीच मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा ने एक्सीडेंट के बाद हेल्थ अपडेट देते हुए कहा था कि उनकी बहन अभी पहले से बेहतर हैं और जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वहीं मलाइका अरोड़ा के करीबी दोस्त के हवाले से पता लगा कि मलाइका को सिर में टांके आए हैं, लेकिन वो अब ठीक महसूस कर रही हैं। उन्हें सिर पर ज़्यादा चोट नहीं आई। आपको बता दें कि एक्सीडेंट के बाद मलाइका शॉक में चली गई थी। एक्सीडेंट के टाइम मलाइका अरोड़ा अपने रेंज रोवर कार में थी। गाड़ी के दो कारों के बीच फंस जाने से उनमें टक्कर हो गई और अनफॉर्चुनेटली मलाइका का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन शुक्र की बात ये रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।